फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड सेफ एट योर होम. इन माई यस्टरडे वीडियो आई मेड यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड सॉरी दिस इज द चैप्टर फोर द एसेज दैट मेड ट्री ब्लूम्स. वी हैव डन दिस ऑल्सो दिस ऑल्सो एंड वी आर हेयर. I hope you all have been watch the my previous video. I hope you are able to understand the story. It is a very interesting story. I love this story also. Now I should start. But before I will start, I made you understand what happened here. मैंने आपको समझाया था. क्या समझाया था? कि पाइन ट्री के नीचे जो डॉग का ऑनर था उसने गड्ढा खोदकर क्या किया, पाइन ट्री के नीचे गड्ढा खोदकर पाइन ट्री को कटवाकर उसने चारों तरफ क्या किया, ये बांस की बल्लियाँ लगा दी और उसकी ग्रेव पर एक प्लेट में खाना रखा और एक बाउल में पानी रखा और कुछ इसेंस होता है खुशबू वाली अगरबत्ती लगा दी और उसको बहुत प्यारे प्यारे नामों से बुलाकर रोने लगता है और उसके बाद वो अपने घर आ जाता है. फिर क्या होता है, देखिए स्टोरी में क्या होता है. अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है. दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड. उसी रात क्या होता है, डॉगी की जो आत्मा है, स्पिरिट माने होती है आत्मा, उसके सपने में आती है. किसके सपने में? मालिक के सपने में आती है. इसके सपने में आती है डॉगी की आत्मा. डॉगी आता है, मतलब आप इस तरह से समझ लो कि डॉगी आता है. कट डाउन द पाइन ट्री, और क्या कहता है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी ग्रेव के ऊपर से जो पाइन ट्री है उसको काट दो. आप देख सकते हो पाइन ट्री है, उसको काट लो. एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टल फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस. और वहाँ पर क्या बना लो, एक मॉर्टल बना लो. मॉर्टल क्या होता है, एक तरह का बाउल, गड्ढा खोद लो. बाउल गड्ढा टाइप, मतलब गड्ढा खोद के एक बाउल टाइप बना लो और राइस पेस्ट्री बना लो और मिल फॉर योर बीन्स, अपनी सॉसेस बीन सॉस के लिए मिल बना लो. अभी आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी. थोड़ा आपको लग रहा होगा कि मैडम क्या बताना चाह रही है, अभी बताऊँगी इसको तब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर यू. सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री. वो क्या करता है, ओल्ड मैन उसको चॉप कर देता है, पाइन ट्री को चॉप कर देता है, काट देता है. एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक अ सेशन अबाउट 2 feet लॉन्ग, और उसका ट्रंक भी काट देता है, बीच से ट्रंक काट देता है. विद ग्रेट लेबर, बहुत परिश्रम, कठिन परिश्रम करके उसको काट देता है वहाँ पर. पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द क्रिशल ही शेप्ड आउट अ होलो प्लेस एट बिग एज अ स्मॉल बाउल. उसे काट कूट के छाट छूट के वो कैसे बना लेता है, जैसे उसको एक इस जगह में वो ऐसे बना लेता है जैसे बाउल की शेप होती है. ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड. फिर क्या बनाता है, एक लंबा सा लकड़ी का हत्ता बनाता है, मतलब पकड़ने के लिए हैमर टाइप, हथौड़ा टाइप बनाता है. सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जैसे कि राइस को पीसने के लिए बनाते हैं. व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू न्यू ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री. जब वो नया साल आएगा तो उसका मन है कि कुछ राइस पेस्ट्री बनाएगा. व्हेन द रिच वॉज ऑल राइस वॉज सॉरी राइस वॉज ऑल बॉइल्ड. जब सारे राइस बॉइल्ड हो गए, ग्रेनी पुट इट इन टू द मॉर्टल. ग्रेनी ने कहाँ रखा, ग्रेनी उसको उसने वो उसका नाम था मालिक का, उसको मॉर्टल में रखा, जो बाउल बनाया था गड्ढा बनाया था उसमें रखा. इन टू डॉ एंड द बाउल्स फेल हैवी. बाउल कैसा हो गया, हैवी हो गया. एंड फास्ट स्टिल द पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी फॉर ब्रेकिंग, और वो कैसे हो गए, पेस्ट्री ब्रेक करने के लिए तैयार हो गई. सडनली द होल मैश टर्न इन टू अ हीप ऑफ गोल्ड क्वाइंस. और सडनली क्या हुआ, वो जितना भी राइस वाइस था, मसाला था, वो क्या गोल्ड क्वाइंस में टर्न हो गया. व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल एंड फाइंडिंग इट विद वीन्स बिगेन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन.
जब दोनों ने मिलकर उसे देखा, उसको चलाया, तो उनको वो जो राइस की जगह पर क्या मिला, बीन्स की जगह पर क्या मिला, उनका जो राइस था, बीन्स थी, सॉसेज मिल थी, गोल्ड कॉइन्स में बदल गए, जैसे सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी हो। मीन वाइल द एमरल्स नियर बाय पीप्ड एट इन द विंडो, और इसी दौरान क्या कर रहे थे, जो गंदे से दुष्ट नियर बाय थे वो विंडो से झांक रहे थे। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो कहाँ से झांक रहे थे, अपनी खिड़की में से सब देख रहे थे। तो अब मैं इसको आप थोड़ा सा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसको इस तरह से समझिए बच्चों, जैसे कि उसने कहा कि पाइन ट्री है, पाइन ट्री को काट दो, पाइन ट्री को काट कर यहाँ पर क्या कर दो, एक बाउल टाइप गड्ढा बना दो, बाउल टाइप गड्ढा बनाकर इसमें एक चक्की टाइप फिट कर दो। चक्की समझते हो, एक पार्ट, जैसे एक पार्ट होता है चक्की का, फिर दूसरा पार्ट होता है, सॉरी एक पार्ट फिर दूसरा पार्ट होता है चक्की का, ठीक है। और यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है, हैमर लगा होता है, जब ये चक्की घूमती उसमें ये जो ये वाला जो है ना, इसमें पोर करते हैं कुछ भी राइस वाइस वगैरह पोर करते हैं, तो वो पीस पीस कर यहाँ से निकलता है, यहाँ से छन 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 करके आता है, तो ये इस तरह से घूमती है राउंड राउंड, इसको इस तरह से घुमाते हैं, आटा की चक्की टाइप घुमाते हैं, तो इसमें से क्या निकलता है, पीस कर अनाज निकलता है। तो जो उसने मटेरियल डाला था उससे क्या निकल रहा था, गोल्ड कॉइन्स निकले, जो राइस बीन्स वगैरह उसने डाली, तो उससे उसको क्या मिला, यहाँ पर राइस की जगह जो उसके अनाज की जगह उसको क्या मिला, एक तरह से गोल्ड कॉइन्स मिले। और ये सब कौन देख रहा था, वो विकेट कपल देख रहा था। अब आगे स्टोरी सुनो, तो वो है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी, अच्छी स्टोरी है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, फिर से वो रिच हो गया। द नेक्स्ट डे द स्ट्रिंगी एंड विगड नियर बाय केम एंड बोरोड द मॉर्टल एंड मैजिक मिल, अगले दिन फिर वो आते हैं और उनसे कहते हैं ये अपना मॉर्टल, अपना ये जो बनाया है तुमने, ये हमें एक दिन के लिए उधार दे दो। दे फील्ड वन विद वॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, अब उन्होंने भी ऐसे ही किया, उसमें क्या डाला, राइस डाला और बीन्स डाले। दैन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन ट्रूगिन, अब क्या करना शुरू कर दिया, उसको ग्राइंड करना शुरू कर दिया, पीसना शुरू कर दिया। बट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इन टू अ फाउल मास ऑफ वर्म्स, कैसे बन गए वो, कीड़े में बदल गए। सोने के सिक्के तो आए नहीं, वो सब कीड़े में बदल गया। इस तरह से हम स्टोरी को समझेंगे। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया वो दुष्ट कपिल। देन चॉप द मिल इन टू पीसेज, और जो मिल उसने बनाया था, लकड़ी का जो मिल बनाया था उसने, उसको क्या कर दिया, काट कूट के उसको पीसेज में तोड़ दिया। चॉप्ड माने होता है काटना, टुकड़े टुकड़े करना पीसेज में। टू यूज एज फायरवुड, और उसको जलाकर क्या बना लिया, जैसे कि आग तापते हैं हम फायरवुड। तो आपने ये समझा इस स्टोरी में कि मतलब वी आर हैविंग अ गुड कपल एंड वी आर हैविंग अ बैड कपल, एक तो बहुत अच्छा कपल है और एक बहुत बुरा कपल है। और जब वो दुष्ट लोग उसको मार देते हैं तो वो बहुत दुखी होता है और वो पाइन ट्री के नीचे बैम्बू स्टिक लगा देता है और यहाँ पर एक गड्ढा खोदकर डॉगी को दबाकर यहाँ पर डॉगी के लिए एक प्लेट रखता है, पानी रखता है और बहुत रोता है, बहुत मन से उसको याद करता है, बड़े प्यारे प्यारे नाम लेकर रोता है, जैसे कि वो उसको जब जिंदा था तब बुलाता था। लेकिन जब वो घर लौट कर आता है रात में, डॉगी उसके सपने में आता है और उसको बोलता है कि ये काट दो, पाइन ट्री काट दो और यहाँ पर एक चक्की टाइप लगाओ और उसके अंदर ये राइस डालो, सॉस बिन डालो। जब वो डालता है और पीसता है तो उसकी जगह, उसमें पेस्ट्री की जगह क्या निकलता है, सोने के कॉइन्स निकलते हैं। और ये सब जो चमत्कार होता है वो देख लेता है, खिड़की में से झांक लेता है जो विग्ड कपल होता है। विग्ड कपल क्या करता है, देन विग्ड कपल उसे एक दिन के लिए यूज टू से कि गिव मी द दिस मिल फॉर वन डे, मेरे को एक दिन के लिए उधार दे दो, तो दे देता है वो उसको। तब व्हाट हैपन दैट, देन वो राइस और बीन्स डालता है और उसे चक्की को चलाता है तो वो सब काय में, सोने के कॉइन्स की जगह वो काय में निकलते हैं, किस चीज़ में बदल जाते हैं, दे टर्न इन वॉर्म्स, कीड़ों में बदल जाते हैं। दे बिकेम टू मच एंग्री बाई वॉचिंग दिस, इसे देख कर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ही चॉप द मिल इन टू पीसेज, पीसेज में काट देते हैं।
एंड यूज एज फायर बॉक्स, और ऐसे यूज करते हैं जैसे कि आग जलाकर लकड़ी तापते हैं हम विंटर में। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द दिस पैरा। टुमारो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल मेड यू अंडरस्टैंड सेकेंड पार्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ बेटा मेक अ हैबिट टू सेंड द असाइनमेंट ऑन गूगल क्लास रूम ओनली। आई नो इट इज़ न्यू फॉर यू, बट वैन एवर यू विल फ्री डिफिकल्टी यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, आई विल हेल्प यू आउट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बेटा।